सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। हेलो हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे हम प्राथमिक चिकित्सा के फर्स्ट एड के बारे में। मैं हूँ राकेश कुमार लोधा। डेफिनेशन फर्स्ट एड, किसी की जान बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा एक अहम कदम हो सकता है। प्राथमिक चिकित्सा को अंग्रेजी में फर्स्ट एड कहा जाता है। एक्सीडेंट या चोट लगने के बाद तुरंत फर्स्ट एड देने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सा में सामान्य चोट के लिए पट्टी करना से लेकर CPR देने की प्रक्रिया तक शामिल हो सकती है। हर व्यक्ति को फर्स्ट एड देना आना चाहिए ताकि वह जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकें। इसी लेख में आप प्राथमिक चिकित्सा का मतलब, उसका महत्व, उद्देश्य, सिद्धांत और प्राथमिक चिकित्सा देने की तरीके जैसी बातों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड क्या है, प्राथमिक चिकित्सा का महत्व और प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य, प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा देने के नियम और प्राथमिक चिकित्सा कैसे करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड क्या है? प्राथमिक चिकित्सा, चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पहले की जाने वाली सहायक इलाज को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। बीमार व्यक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए भी फर्स्ट एड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट एड पूर्ण चिकित्सा नहीं होती है, लेकिन इससे अस्पताल ले जाने के लिए रोगी की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। अस्पताल ले जाते समय या मदद का इंतजार करते समय किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने से उसकी जान बच सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, आपातकालीन स्थिति में कुछ आसान तकनीकों का बहुत कम उपयोग उपकरणों का इस्तेमाल करके किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए आपके विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, ये आसानी से सीखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको कभी आपातकालीन स्थिति में किसी को फर्स्ट एड देने की आवश्यकता पड़ी है तो घायल व्यक्ति को खून लार और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों से दूर रहें। अगर ऐसा संभव न हो तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दस्ताने पहने। प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद हमेशा अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं और पानी आंखों, नाक, मुंह को हाथ न लगाएं। इसके साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद बिना हाथ धोए खान पान न करें। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा के महत्व, क्या क्या महत्व है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सा से केवल जान ही नहीं बचाई जाती है, इससे व्यक्ति की ठीक होने का समय भी कम होता है और व्यक्ति को कहीं बड़ा शारीरिक नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा करना सीखने से आप आपातकालीन स्थिति में शांत रहना और प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक प्रक्रिया के बारे में सीख सकते हैं। इससे आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपातकालीन स्थिति में आप अधिक प्रभावपूर्ण चिकित्सा कर पाएंगे। निम्नलिखित बातों से आप प्राथमिक चिकित्सा का महत्व समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हर बार एक्सीडेंट होने पर या चोट लगने पर अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि घायल व्यक्ति को दर्द या परेशानी नहीं हो रही है। अगर एक बच्चा बुखार या चोट के कारण रो रहा है तो इसका मतलब है कि उसे परेशानी हो रही है। सही तरह से पट्टी करने या ठंडी सिकाई करने से आप उस बच्चे की समस्या को कम कर सकते हैं। आप शांत रहकर बच्चे को भावनात्मक सहानुभूति भी दे सकते हैं, जिससे वह सुरक्षित महसूस करेगा और उसकी परेशानी भी कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पीड़ित व्यक्ति को सही समय पर प्राथमिक चिकित्सा न दी जाए तो उसकी स्थिति अधिक बिगड़ सकती है। मदद का इंतजार करते समय आप उस व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देकर उसकी स्थिति बेहतर कर सकते हैं।
अगर फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध नहीं है तो आप आपातकाल स्थिति में घर में ही मौजूद अन्य चीजों का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको घायल व्यक्ति की स्थिति का सही आकलन करना आता है तो आप डॉक्टर को पीड़ित व्यक्ति की सही स्थिति में बारे में बता पाएंगे, जिससे वक्त बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सा की सही जानकारी होने से आप घायल व्यक्ति की मदद करने के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा करेंगे, ताकि घायल व्यक्ति के साथ आपको भी मदद की आवश्यकता न पड़े। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य, क्या क्या उद्देश्य होते हैं? प्राथमिक चिकित्सा के निम्नलिखित तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं, जान बचाना, सेकंड स्थिति बिगड़ने से बचाना, थर्ड है ठीक होने में मदद करना। अब पढ़ेंगे जान बचाना। जो जो फर्स्ट एड में उपयोग होने यूजेबल आर्टिकल्स। जान बचाना, प्राथमिक चिकित्सा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है घायल या पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना। किसी की जान बचाना बचाने बचने के लिए आप हमेशा डॉक्टर पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि घटना स्थल पर हमेशा कोई डॉक्टर मौजूद हो, इसलिए सही तरीके से प्राथमिक चिकित्सा देने से घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। स्थिति बिगड़ने से बचाना, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है घायल व्यक्ति की स्थिति और घावों को बिगड़ने व बढ़ने से रोकना। किसी को प्राथमिक चिकित्सा देने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को खतरे से बचा रहे हैं या उसका खतरा कम कर रहे हैं। जैसे आग से जल रहे व्यक्ति के ऊपर कंबल देना, उससे आग से बचाया जाएगा और उसके लिए फर्स्ट एड का काम करेगा। अब ठीक होने में मदद करना, कुछ मामलों में प्राथमिक चिकित्सा रोगी के ठीक होने की प्रक्रिया में मदद करती है। जिन लोगों को प्राथमिक चिकित्सा करनी आती है उन्हें छोटे से कट से लेकर फ्रैक्चर की स्थिति में किए जाने वाले इलाज के बारे में पता होता है। प्राथमिक चिकित्सा के क्या सिद्धांत हैं? प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत, सेकंड पॉइंट, घायल व्यक्ति की हालत बेहतर बनाए बिना जल्द से जल्द एक्सीडेंट के बाद प्राथमिक चिकित्सा देना। नेक्स्ट पॉइंट, केवल आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा ही देना। नेक्स्ट पॉइंट, रक्त स्त्राव को तुरंत ठीक करना। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्ति को सदमा लगने से बचाना और अगर वह पहले से ही सदमे में है तो उसका इलाज करना। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैक्चर या जोड़ हिलने की स्थिति में आप प्रभावित क्षेत्र को हिलने डुलने न देना। नेक्स्ट पॉइंट, आसान प्रक्रिया और दवाओं से दर्द को ठीक करना। घायल व्यक्ति को जल्दी ही ठीक होने का आश्रम देना और उसका हौसला बढ़ाना। प्राथमिक चिकित्सा देने के नियम। फर्स्ट पॉइंट, घटना होने के बाद अगर व्यक्ति बेहोश है तो उसे सही करने के लिए आपकी निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इन्हें प्राथमिक चिकित्सा की ABCB कहा जाता है। इससे एयरवे, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वास नली की जांच, बी से ब्रीदिंग, जो सांस की जांच करेंगे, सी से सर्कुलेशन परिसंचरण जांच। ठीक है, अब पढ़ेंगे एयरवे, श्वास नली की जांच करना। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले इस बात की जांच करें कि व्यक्ति की श्वास नली खुली है या नहीं। श्वास नली एक ट्यूब होती है जिससे हवा फेफड़ों में जाती है और बाहर आती है। अगर ये ट्यूब बंद हो जाए तो सांस लेना असंभव हो जाता है। अगर यह नली बंद है तो व्यक्ति की थोड़ी उठाए जिससे उसका सिर पीछे की तरफ झुक जाए और बड़े सांस लेने का इलाज। ब्रीदिंग सांस की जांच। उसका फर्स्ट पॉइंट है, एयरवे के बाद 5 से 10 सेकंड के लिए व्यक्ति की सांस की जांच करें। उसके मुंह के पास अपना कान लगाकर उसकी सांसों को सुने और यह देखे कि उसकी छाती पर ऊपर नीचे हो रही है या नहीं। अगर आपको लगता है कि व्यक्ति की
हफ रहा है, इसका मतलब कि वह सामान्य तरीके से सांस नहीं ले रहा है। सी सर्कुलेशन परिसंचरण की जांच, इसका पॉइंट है परिसंचरण की जांच करने के लिए रक्त स्राव को शॉक के लक्षणों जैसे फीकी, नमक व ठंडी त्वचा के लिए व्यक्ति की जांच करें। रक्तस्राव को तुरंत रोकना चाहिए और जल्दी से व्यक्ति के पूरे शरीर की जांच करना करनी चाहिए। अब पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा के समझ, प्राथमिक चिकित्सा के समय इन्फेक्शन से कैसे बचें। इसका पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड के दौरान आपको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आपको घायल व्यक्ति से किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो और आपसे भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन उस घायल व्यक्ति को ना हो। इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसीलिए अच्छे से हाथों को धोए और ग्लव्स दस्ताने का उपयोग करें जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। खुले हाथों से रक्त जनित संक्रमण जैसे हेपेटाइटिस बी या सी और एचआईवी या एड्स होने का चांसेस होता है। यह वायरल बीमारियों की किसी भी एक व्यक्ति के खून से दूसरे खून से मिलने से होता है। प्राथमिक चिकित्सा की पेटी, आइए आपको बताते हैं प्राथमिक चिकित्सा की पेटी फर्स्ट एड में किन चीजों का होना बहुत ही आवश्यक है। बैंडेज, सीजर, ग्लव्स, बीटाडीन सॉल्यूशन इत्यादि। इट इज अब पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा कैसे करते हैं। ठीक है, बस का फर्स्ट पॉइंट है आपातकालीन स्थिति में सही फर्स्ट एड करने से आप किसी की जान बचा सकते हैं। हालांकि इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद भी प्राथमिक चिकित्सा का तरीका याद रखना मुश्किल हो सकता है। प्राथमिक चिकित्सा करने का सही तरीका निम्नलिखित है। नेक्स्ट पॉइंट है घायल या बीमार व्यक्ति को चिकित्सा देने से पहले पूरी स्थिति और व्यक्ति की जांच कर लेवे। नीचे दी गई बातों का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या स्थिति में माहौल सुरक्षित है, दुर्घटना या समस्या क्या है, वे कैसे हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कितने लोग शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट घायल व्यक्ति की चोट या बीमारी की स्थिति क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या व्यक्ति किसी ऐसी स्थिति में है जिससे उसकी जान को खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या मदद के लिए कोई और उपस्थित है। अगर व्यक्ति होश में है और जवाब दे रहा है तो उसके लिए। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट व्यक्ति व्यक्ति तो अपना नाम बताए, अपने हिसाब से समस्या का कारण वह उसके लिए चिकित्सा समझ जाए और चिकित्सा करने के लिए उसकी अनुमति ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पास खड़े किसी व्यक्ति को डिफिब्रिलेटर, हृदय की अनियमितता धड़कन को सही करने वाला एक उपकरण और फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहें। अगर उपलब्ध हो तो दस्ताने व अन्य सुरक्षा करने वाले उपकरण पहने। व्यक्ति से उसके लक्षण, एलर्जी, दवाएं, अन्य चिकित्सा समस्याएं, आखिरी आहार और घटना की वजह के बारे में पूछें। नेक्स्ट पॉइंट व्यक्ति के पूरे शरीर पर चोट के लिए जांच करें। नेक्स्ट पॉइंट पूरी समझदारी और सूझबूझ के साथ समस्या मुताबिक प्राथमिक चिकित्सा करें। अगर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर व्यक्ति जवाब नहीं दे रहा है तो इसका क्या करना चाहिए व्यक्ति को। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट व्यक्ति का नाम लेकर उसे बुलाने का प्रयोग करें। अगर व्यक्ति जवाब नहीं देता है तो उसे कंधे को हिलाकर, अगर पीड़ित बच्चा या वयस्क है, या पैर हिलाकर अगर पीड़ित बहुत छोटा बच्चा है, फिर से उसे बुलाए और उसकी सांस की जांच करें। 5 से 10 सेकंड से ज्यादा ये जांच न करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर अगर व्यक्ति सांस ले रहा है तो क्या करेंगे। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है किसी को एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहें और फर्स्ट एड किट मांगें। फर्स्ट
फर्स्ट एड किट फर्स्ट एड बॉक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अगर सुनिश्चित करें कि घायल व्यक्ति एक मतलब समतल जगह पर सीधा लेटा हो, और नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति को CPR देने शुरू करें या अगर उपलब्ध है तो डिफिब्रिलेटर का उपयोग करें। ऐसा तभी करें जब आपको CPR देना आता ही हो या डिफिब्रिलेटर का उपयोग करना आता है। नेक्स्ट पॉइंट, CPR तब तक दे जब तक व्यक्ति सांस न लेने लगे या मदद न मिल जाए। अब पढ़ेंगे आघात या चोटों के लिए पेटी में सामग्री, ठीक है। चोट लगना, खून निकलना, हड्डी का टूटना या जल जाने का सामग्री फर्स्ट एड किट में होना बहुत आवश्यक है। इससे बहुत सारे बैंडेज और ड्रेसिंग सामान का होना जरूरी होता है फर्स्ट एड के अंदर। पॉइंट, चिपकाने वाली पट्टियां, एडिशिव बैंडेज जैसे बैंडेज, एड बैंडेज, स्क्रेडलिंग, प्लास्टर इटिस। मास्किंग, नेक्स्ट पॉइंट, मास्किंग छोले के उपचार और रोकथाम के लिए। ड्रेसिंग की सामग्री, जीवाणु रहित घाव पर सीधे लगाने के लिए, अजीवाणु कीटाणु रहित आंख के लिए पैड, स्टरलाइज पैड्स, ठीक है। अजीवाणु गोज पैड, नच फेंकने वाला टेफ्लॉन लेयर वाला पैड, पेटोलेटम कॉर्ड पैड छाती के घाव पर लगाने के लिए तथा वायुरोध ड्रेसिंग के लिए, और न चिपकाने वाले ड्रेसिंग के लिए। बैंडेज ड्रेसिंग के लिए स्टरॉयल किए बिना। प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए जरूरी दवाई, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा किट में कुछ जरूरी दवाइयाँ भी होनी चाहिए, जैसे दर्द दूर करने वाली दवाई जैसे डाइक्लोफेनिक, एल्कोफेनिक्स, पैरासीटामोल इत्यादि। दिल का दौरा पड़ने पर आराम के लिए दवाई जैसे एस्प्रिन, सोर्बिट्रेट, न्यूट्रलाइसिन इत्यादि। कुछ एंटीबायोटिक ऑलमेंट्स जैसे निस्पोरिन, ओलेयर जेल, क्लोबिस्ट्रॉल इत्यादि। घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन जैसे डिटॉल, सेलोन, हाइड्रोजन प्रोक्साइड इत्यादि। अस्थमा के रोगियों के लिए दवाई जैसे एस्टेलिन, इनहेलर, ट्रेफलिन, साल्बेटामोल इत्यादि। दस्त रोकने के लिए दवाई जैसे अफ्लोक्सिन, मेट्रोनिडाजोल, लेप्रोमाइड, लैक्टिक एसिड, बेसिलस, ORS इत्यादि। उल्टी के लिए दवाई जैसे मेटोक्लोपोमाइड, ऑन्डोस्ट्रॉन इत्यादि। रोलर बैंडेज, रोलर बैंडेज इसको इंग्लिश में गोजर रोलर बैंडेज घाव को जल्दी जल्द से जल्द सोखने में मददगार होता है। नेक्स्ट पर इलास्टिक बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज मांसपेशी को खिंचाव और प्रेशर पड़ने पर ड्रेसिंग में उपयोगी। जल रोधक बैंडेज, वाटरप्रूफ बैंडेज। त्रिकोणीय पट्टियों या बैंडेज, ट्रायंगल बैंडेज। ट्रिनकेट रक्तरोधी, जल्द से जल्द रक्त बहाव को रोकने के लिए। बटरफ्लाई स्कॉलर डिस्ट्रप्स, बिना साफ किए हुए घाव के लिए। सेलाइन, घाव को धोने के लिए या आंखों से गंदगी निकालने के लिए। साबुन, घाव को साफ करने के लिए। जले हुए घाव के लिए ड्रेसिंग, ठंडे जेल पैक एंड नेक्स्ट पॉइंट कैंची। अब पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा के प्रकार और सही सही, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट, घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या करें, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी बाद में अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आने वाला है, पहले
पढ़ेंगे। करंट या बिजली का झटका लगने पर प्राथमिक चिकित्सा पर क्या उपचार करेंगे उसके लिए, प्लस जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा या सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा या कुत्ते काटने पर प्राथमिक चिकित्सा पर अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा के बारे में। घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, जब अपने इमेज में दिख रहा है लगने के बाद शरीर को शरीर शरीर से खून बहने पर प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड इन एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है। आप सभी को मालूम है ब्लीडिंग होना, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट लगेंगे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है अगर घाव बहुत गहरा हो और खून बहुत ज्यादा बह रहा हो या 10 मिनट के बाद भी ना रुके तो नीचे वे स्टेप्स को फ्लो करेंगे। इसमें सबसे पहले ब्लीडिंग रोकेंगे। निचोट की जगह पर किसी कपड़े रुई की मदद से जोर से दबा कर रखें जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, घाव को साफ करें। चोट या घाव को साबुन या गुनगुने पानी से धोएं। कटे हुए खुले हुए घाव में हाइड्रोजन फ्लोक्साइड ना डालें। चोट पर एंटीबायोटिक मरहम लगाएं और बैंडेज बांध लें। आगे की चिकित्सा के लिए घायल व्यक्ति को नजदीकी चिकित्सालय अस्पताल में ले जाएं। अब पढ़ेंगे हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा पर क्या होता है। हड्डी फर्स्ट पॉइंट, हड्डी कई कारणों से टूट सकती है, ठीक है, जैसे किसी खेल के समय या किसी और दुर्घटना के कारण कभी कभी हड्डी टूटना जानलेवा भी हो सकता है। हड्डी टूटने के लक्षण, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, चोट की जगह को छूने और हिलने पर अगर दर्द हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चोट की जगह पर सूजन सूत्र हो जाना या नीला पड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पैर काम ना दे रहा हो, उठने में या प्रॉब्लम हो रहा हो, खासकर जब कंधे और पैर को जोड़ों में चोट लगी हो तो, ठीक है। अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो, अब पढ़ेंगे हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स, ठीक है। पॉइंट, अगर आदमी बेहोश हो तो सबसे पहले ABC रूलर को फॉलो करें जो अपन ने आगे पढ़ ली है, ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ठीक है। इसके बारे में अगर अगर कहीं खून निकल रहा हो तो पहले ब्लीडिंग को बंद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर घायल व्यक्ति को सदमा लगा हो तो पहले उसे सदमे के लिए प्राथमिक चिकित्सा दें और आराम से बात करें, साथी स्वतंत्र ना दें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको दिखा कोई हड्डी टूट गया है तो पहले उस हड्डी को सीधा करके नीचे एक गद्दे या लकड़ी का तख्ता देखकर मजबूती से बैंडेज बांध दें। चोट की जगह पर प्लास्टिक बैग में बर्फ रखकर दबाइए। नेक्स्ट पॉइंट, जल्द से जल्द मरीज को अस्पताल पहुंचाइए, ठीक है। अब पढ़ेंगे करंट बिजली का झटका लगने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने प्राथमिक चिकित्सा का डेंजरस चिन्ह लो, ठीक है। इसका फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक शॉक के लगने पर खतरा करंट के वोल्टेज के हिसाब से होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक इतना खतरनाक हो सकता है कि इसमें अंदरूनी शरीर जल भी सकता है, यह पूरी तरीके से जानलेवा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर इस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं, ठीक है, क्या लक्षण होता है ना, इत्यधिक शरीर का चलना, उलझन में पड़ना, सांस लेने में मुश्किल, हार्ट अटैक, मांसपेशियों में दर्द, दौरा पड़ना, बेहोश हो जाना, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे क्या क्या करें प्राथमिक उपचार, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले बिजली के स्रोत को बंद करेंगे और अगर ना हो सके तो किसी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बिजली के स्रोत को घायल व्यक्ति से दूर कर दें। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आदमी को होश में
ना हो तो एबीसी रूल फॉलो करें, जो अपना आगे पढ़ लिया इसके बारे में, एबीसी के बारे में। चोट लगे हुए स्थान पर बैंडेज लगाएं और जले हुए स्थानों को साफ कपड़े से ढक दें, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, जल्द से जल्द मरीज को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाएं। जल्द जाने पर प्राथमिक चिकित्सा, जल्द जाने पर प्राथमिक चिकित्सा पर अपन, आप जल्द जाने पर प्राथमिक चिकित्सा के बारे में अपन क्या 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 करेंगे, कैसे क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप कई प्रकार से जल सकते हैं, ठीक है। गर्मी से, आग से, रेडिएशन, सूर्य की किरण से, रासायनिक पदार्थ से और गर्म पानी से, ठीक है। इत्यादि बर्न या जलने को 3 डिग्री में विभाजित है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री बर्न, ठीक है, इसमें चमड़े या ऊपरी भाग लाल हो जाता है, ठीक है, और दर्द भी बहुत होता है, थोड़ा सूजन आता है और त्वचा को छूने से सफेद हो जाता है। जला हुआ त्वचा 1 से 2 दिन में निकल जाता है, इसमें घाव 3 से 6 दिन में भर जाता है, ठीक है। सेकंड डिग्री बर्न, इसमें त्वचा थोड़ा मोटा मोटे आकार से जल जाता है, इसमें दर्द बहुत होता है और फफोला या छाले निकल जाते हैं, इसमें त्वचा बहुत ज्यादा लाल हो जाता है और सूजन भी आता है, इसमें घाव 2 से 3 हफ्ते में भर जाता है। थर्ड डिग्री बर्न, इसमें त्वचा के 3 लेयर जल जाता है, इसमें जला हुआ त्वचा सफेद हो जाता है, ऐसे में दर्द कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, जो न्यूरॉन जो मैसेंजर का काम करता है वो डैमेज हो जाता है, इसमें घाव बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है। अब जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स क्या क्या करेंगे, सेकंड सेकंड डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगे, सेकंड डिग्री बर्न होने पर हेलो गाइस सॉरी, इसके लिए जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स, थर्ड स्टेप होते हैं 3, जिसमें फर्स्ट डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगे, तो सेकंड डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें, थर्ड डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करें। बट सॉरी कि फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा पर वापस सेकंड पॉइंट हो चुका है, इसलिए सॉरी उसके लिए, ठीक है। अगले वाले पॉइंट में ऐसी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगे, जले हुए जगह को 5 मिनट तक पानी में डुबो कर ठंडा कीजिए, इससे सूजन और जलन कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलोवेरा क्रीम या एंटीबायोटिक ऑलमेंट लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट, हल्के से बैंडेज बांधें। नेक्स्ट पॉइंट, दर्द कम करने वाली दवाइयां खाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, ठीक है। सेकंड डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा कैसे करेंगे, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट, जले हुए जगह को 15 मिनट के लिए पानी में डुबो कर ठंडा कीजिए, जिससे जलन कम और सूजन भी हो। नेक्स्ट पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं। नेक्स्ट, प्रतिदिन या नया ड्रेसिंग करें। नेक्स्ट, दर्द कम करने की करने वाली दवाइयां और एंटीबायोटिक खाएं, डॉक्टर से संपर्क, ठीक है। आप करें थर्ड डिग्री बर्न होने पर प्राथमिक चिकित्सा से करें, ठीक है। बर्न थर्ड डिग्री बर्न में जितनी जल्दी हो सके मरीज को हॉस्पिटल ले जाएं, उनके शरीर या कपड़ों को ना छुए वे घाव में चिपक जाते हैं, ठीक है। घाव में कम पानी ना लगाए, किसी प्रकार का ऑलमेंट ना लगाए, ठीक है। अब पढ़ेंगे सांप काटने पर प्राथमिक चिकित्सा। आपने देखा सांप बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कोबरा, क्रैट, पाइपर, बहुत सारे टीस, ठीक है। इसके लिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, बहुत सारे सांप जहरीले नहीं होते हैं, उनके काटने पर घाव को साफ करने ये दवाई लगाने से ठीक हो जाता है, लेकिन जहरीले सांप को काटने पर जल्द से जल्द फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है। सांप काटने से त्वचा पर 2 लाल बिंदु जैसे निशान आते हैं, नीचे दिए गए चित्र में देख रहे होंगे आप, ठीक है, नीचे वाला डायग्राम में देख रहे हैं इमेज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जहरीले सांप को काटने पर लक्षण सांप की प्रजाति के अनुसार होता है,
ओब्राक्रेट प्रजाति के सांप के काटने पर न्यूरोलॉजिकल मस्तिष्क संबंधी लक्षण दिखते हैं, जबकि वाइपर के काटने पर रक्त वाहिकाएं नष्ट हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सांप के काटने पर इलाज के लिए सही एंटीटॉक्सिन या सांप के सीरम को चुनने के लिए सांप को पहचान करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, सांप काटने पर लक्षण क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं आपको, क्या क्या जब सांप काटता है किसी व्यक्ति को उसमें क्या क्या दिखाई देता है आपको, ठीक है, इसके बारे में। अभी सांप के काटने का निशान दिखाई देता है, ठीक है, दर्द या सूत्र हो जाना, दर्द की जगह पर, ठीक है, लाल पड़ जाना, कटे हुए स्थान पर गर्म लगाना और सूजन आना। ठीक है, सांप के काटते हुए निशान के पास के ग्रंथियों में सूजन, आंखों में धुंधलापन, सांस और बात करने में मुश्किल होना, लार बाहर निकलना, नेक्स्ट पॉइंट, बेहोश या कोमा में चले जाना। ठीक है, वो सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा से स्टेप्स कितने स्टेप्स पड़ेंगे। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है, पेशेंट को आराम दें, नेक्स्ट पॉइंट, शांत और श्वांता दें, नेक्स्ट पॉइंट, सांप के काटते हुए स्थान को साबुन से ज्यादा पानी में अच्छे से धोएं, सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचे रखें, काटे हुए स्थान को उसके आसपास बर्फ फेंक लगाएं ताकि ऐसे जहर वेनम का फैलना कम हो जाए। पेशेंट को सुने ना दें और हर पल नजर रखें, होश ना आने पर एबीसी रूलर अपनाएं। ठीक है, जब एबीसी अपन आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है, एयर ब्रीदिंग और सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएंगे। अब कुत्ते के काटने प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या करेंगे, ठीक है, जब कुत्ता काटता हो इमेजिंग इमेज आपको दिख रहा है, ठीक है, इसके लिए फर्स्ट पॉइंट, एक कुत्ते के मुंह के अंदर 60 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए रेबीज, किसी भी आदमी, बिल्ली, बंदर, घोड़े के काटने पर भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। कुत्ते के काटने में प्राथमिक चिकित्सा के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, घाव को तुरंत अच्छे साबुन या पानी से धोएं, 5 से 10 मिनट में धोएं, धोते समय ज्यादा ना रगड़ें, थोड़ा सा खून बहने दें, इससे इन्फेक्शन साफ हो जाता है, और तुरंत अस्पताल जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन से लगवाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बहुत कुछ।